सुप्रभात बच्चों, पहले अंश में हमने देखा कि ठग ने सेठ को सबक सिखाने की बात सोची और इसीलिए उसने सबसे पहले सेठ से कुछ बर्तन मांगे। सेठ ने पहले तो थोड़ा सा नानुकर किया, मगर बाद में उसने वो बर्तन दे दिए। अब दूसरी बार और जब ठग बर्तन वापस करने आया तो उसने बर्तनों के साथ साथ कुछ छोटे बर्तन भी लाए। अब सेठ ने जब आश्चर्य से पूछा कि ये छोटे बर्तन कहाँ से आए, तो उस ठग ने कहा कि सरकार आपके बर्तनों ने बच्चे दिए हैं। अब सेठ तो लालची था ही, इसीलिए उसने वो बर्तन चुपचाप रख लिए। अब ठग ने सोचा कि मुझे अब कुछ और करना चाहिए, कुछ ज्यादा रुपए ऐंठने चाहिए, इसीलिए उसने इस बार बेटी के विवाह का बहाना किया और वो सेठ के पास आया और कहने लगा कि सेठ जी, मेरी बेटी का विवाह है और इसीलिए इस अवसर पर मुझे कुछ सोने चांदी के बर्तन चाहिए। सेठ पहले तो तैयार नहीं हुआ, क्योंकि आखिर बात सोने चांदी के बर्तनों की थी, मगर फिर भी जब ठग ने कहा कि मैं उसका 150 रुपए किराया दूंगा रोजाना एक दिन का, तो सेठ बड़ा खुश हुआ और लालच के मारे उसने ठग को वो सोने चांदी के बर्तन दे दिए। अब ठग ने क्या किया, वो सोने चांदी के जो बर्तन थे वो बाजार में ले जाकर उसने बेच दिए। और जब 8 दिनों तक ठग बर्तन लेकर वापस नहीं आया, तो सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने पहले तो बर्तन दूसरे ही दिन वापस कर दिए थे और अब एक हफ्ता बीतने के बाद भी बर्तन क्यों वापस नहीं करने आया। और इसी चिंता में उसने ठग के घर में जाने की सोची और उसने वहां पर देखा कि ठग बाल मुंडाए वहां पर रोनी सूरत बनाए अपने घर के आगे बैठा है। जब सेठ ने उससे पूछा कि तुमने मेरे बर्तन वापस क्यों नहीं किए, तो उसने कहा, सेठ जी, आपने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है, क्योंकि आपके जो बर्तन थे वो मरणासन्न थे। मरणासन्न स्थिति यानी मौत के जो पहले के कुछ क्षण होते हैं, तो इस स्थिति में आपके बर्तन थे और मेरे घर आते ही सारे बर्तन मर गए। तो इस तरह से ठग ने सेठ को और बहाना बनाया और उसने ये सब क्यों किया, तो सेठ को सबक सिखाने के इरादे से। धन्यवाद।